हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके मेंसेस शुरू होते हैं और उसके पहले और बाद में या उनके आने के साथ साथ आपको हेडेक भी शुरू हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सानिया आज आपका ये हेडेक दूर करने जा रही हूँ कि मेंसेस के टाइम पर आखिर हेडेक क्यों होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेंसेस के टाइम पर जो हेडेक होता है वो माइग्रेन का ही एक टाइप होता है, और जिसको माइग्रेन होता है तो किसी किसी का माइग्रेन इसके साथ रिलेटेड हो जाता है कि जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं या शुरू होने वाले होते हैं तब उनको हेडेक शुरू होने लगता है और वो मेडिसिन लेने के साथ ही उसमें आराम भी पड़ जाता है, लेकिन किसी किसी लेडीज़ को उसमें आराम भी नहीं पड़ता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जब भी मेंसेस आते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, यानी ईस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन का चेंजेस आता है, तभी पीरियड शुरू होता है। और जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं तो अंदर साइटोकाइंस, TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन जैसी केमिकल्स बनते हैं, और ये केमिकल्स एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से हेडेक का ऑनसेट होता है। तो यदि आपको मेंसेस के साथ ही बार बार ये ऑनसेट होता है और आपको बार बार ये तकलीफ़ होती है तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, और जब आप डॉक्टर के पास संपर्क करते हैं तो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को पहले एनालिसिस करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों है, वास्तव में क्या मेंसेस ही आपके हेडेक का कारण है। और जब आप प्रॉपर हिस्ट्री देते हैं और प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बाद ये डिसाइड हो पाता है कि हाँ, आपके मेंसेस के कारण ही आपको हेडेक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पीरियड से पहले ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे कि आपको पीरियड आने के टाइम पर इस प्रकार का हेडेक ना हो। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स होती है जिससे कि बार बार इसके ऑनसेट को रोका जा सके, क्योंकि जब ऑनसेट हो जाता है हेडेक का, यानी हेडेक होना शुरू हो जाता है तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब इसमें दो तरीके की मेडिसिन दी जाती है, कि माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, दूसरा जो हार्मोन्स के चेंजेस जो आ रहे हैं मेंसेस के टाइम पर उनको रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो इसमें जनरली जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या OC पिल्स आती हैं, जो 21 दिन वाली गोलियां होती हैं, वो एक बार ट्राई की जाती है। लेकिन किसी किसी को ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण हेडेक होता है तब हमें ईस्ट्रोजन वाली गोलियां अवॉइड करनी पड़ती हैं, केवल प्रोजेस्टेरोन वाली दी जाती है। और यदि आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं सूट कर रहा है तो कई बार लोकल प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, जो कि कॉपर टी जैसे डिवाइसेस आते हैं जिनको इंट्रायूटराइन डिवाइसेस कहा जाता है, जो यूट्रस के अंदर फिट की जाती हैं, जिससे कि धीरे 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 महीना आना कम हो जाता है, क्योंकि अंदर के जो हार्मोन चेंजेस हैं उनको वो कंट्रोल करता है, जिससे कि आपको हेडेक ऑनसेट में कमी होती है, यानी कि आपका सिर में दर्द होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ माइग्रेन को प्रिवेंट किया जाता है, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती है वो चालू की जाती हैं। और इसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा अगर योगा और मेडिटेशन करती हैं, अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखती हैं, और यदि आपको हो सकता है कि धूप की वजह से या और किसी कारण से भी हेडेक का ट्रिगर होता हो तो उन सब से आप अपना बचाव रख सकती हैं। तो ऐसे कंबाइंड एफर्ट करके हम लोग मेंसेस के टाइम पर जो हेडेक होता है उसको रोक सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।